और जैसा कि हम लगातार दिखाने की कोशिश कर रहे हैं किस तरह जो चैती छठ है, चैती छठ का आयोजन किया गया है और फिलहाल उपस्थित हूँ मैं देवी पोखरी में और देवी पोखरी के आगे का मैं दृश्य आपको दिखा लेना चाहूँगा। हालांकि वर्ष में दो बार छठ पूजा का आयोजन किया जाता है लेकिन जो है चैती छठ है इसमें भी लोगों की जो भीड़ है शायद मुझे बताने की जरूरत नहीं कि कितनी संख्या में लोग जो यह चैत महीने में भी जो है यह छठ का पर्व करते हैं और अलग अलग स्थानों पर जाऊंगा। साथ ही समिति के लोग मेरे साथ उपस्थित रहेंगे, उनसे हम थोड़ी बातें करेंगे कि किस तरह का छठ पूजा का आयोजन किया गया है और क्या नियम है, थोड़ा इस बारे में भी जानने की कोशिश करूंगा। आइए एक अलग स्थान पर चलते हैं देवी पोखरी के और वहाँ का दृश्य आपको हम दिखा लेते हैं। एक बार फिर से मैं दिखा लेना चाहूँगा जो पूरा दृश्य है, किस तरह का जो दृश्य है और मेरे बाएं तरफ का जो दृश्य है मैं दिखा लेना चाहूँगा किस तरह जो लोगों की भीड़ है काफ़ी संख्या में देखी जा रही है। हालांकि कार्तिक महीने में जो छठ पूजा का जो आयोजन किया जाता है, कार्तिक महीने में जो भीड़ हमेशा अधिक रहती है लेकिन इस महीने में भी जो छठ का जो आयोजन किया जाता है संख्या देखकर शायद मुझे बताने की ज़रूरत नहीं कि कितनी संख्या में जो लोग हैं यहाँ उपस्थित हुए हैं या जो छठ एक अलग से किया जाता है इसका महत्व। ये जो मैंने कोई मैंने मन्नत माना जाता है उस हिसाब से किया जाता है, कोई अपना श्रद्धा से किया जाता है, कोई अपना खुशहाली से करता है जी। और जैसा कि कहा मैं जो आयोजक समिति है साथ ही कई विशेष व्यक्ति यहाँ उपस्थित है और उनसे मैं थोड़ी जानने की कोशिश करूँगा कि जो है छठ का जो महत्व है क्या है। लेकिन संजय सिंह जी है सबसे पहले, चूँकि हम लोग तो बचपन से आ रहे हैं छठी मैया में, पहले जो कार्तिक छठ होता था तो सारे घर हर परिवार में एक आदमी छठ पूजा करता था। लेकिन हम पहली बार देखे हैं चैती छठ में आके यहाँ की, अभी तो देखते हैं जगह नहीं है यहाँ में करने के लिए। और छठी मैया का इतना ना कृपा है, हर लोग करने लगे जो कार्तिक छठ करते थे, अब लगता है चैती छठ भी वो लोग करने लगे हैं। जी आपके पास आऊँगा और यहाँ बहुत सारे बैंड बाजे में देख रहा हूँ। एक्चुअली इस तरह का जो लोग लेकर आते हैं बैंड बाजा क्यों लेकर आते हैं, एक्चुअली इसका कारण क्या होता है? सभी को पता है ये दो छठ पर्व मनाया जाता है, एक कार्तिक छठ पर्व एक चैत छठ पर्व। चैत छठ पर्व खासकर वही व्यक्ति मनाते हैं जिनकी मनोकामना तो पूर्ण होती है या मनोकामना है, उसे मन में आस्था के साथ कहते हैं मेरी मनोकामना पूर्ण हो और उसके लिए वो छठ व्रत को स्टार्ट करते हैं और उसका पालन करते हैं। छठ पर्व करने की जो नीति नियम है वो कार्तिक चैत सब एक ही है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं है। लेकिन ये पर्व जो है मनोकामना सिद्धि के लिए ये चैत छठ पर्व किया जाता है। और संयोग की बात है 9 वर्ष की शुरुआत होती है, हमारे जो पंचांग हैं हिंदू शास्त्र है उसके हिसाब से नया साल का शुभारंभ होता है। इस अवसर पर चैत छठ पर्व, रामनवमी, आपका बिहू, कहीं पोंगल, कुछ लोग लोहरी, अलग अलग प्रदेशों में पूरे विविधताओं में एकता है। व्रत एक ही है, तिथि एक ही है लेकिन नाम अलग अलग करके हम पालन। मान के चले कि अंग्रेजी महीना का जरूर अप्रैल महीना माना जाता है लेकिन कई राज्यों में 9 वर्ष का शुरुआत अप्रैल में ही, जनवरी माना जाता है, अप्रैल महीना इस महीने को माना जाता है लेकिन कई राज्यों में जो नया वर्ष माना जाता है, नया वर्ष 9 वर्ष की शुरू आरम्भ माना जाता है। अप्रैल महीना सालों भर में एक ऐसा महीना है जिसमें सभी जाति धर्म के लोग कुछ न कुछ इसमें अपना पर्व बनाते हैं। और अब देखिएगा मुसलमान लोगों का ईद रोज़ा भी अभी समाप्त हुआ है, वो अप्रैल में ही हुआ है, तो इस महीना का एक महत्व है जिस महत्व को सब लोग मानते हैं। देवी पोखरी समिति के लोग हैं, आपके पास भी आऊँगा, क्या कहें? सबसे पहले मैं तो देवी पोखरी सेवा समिति के तरफ से आपको चैती छठ पर शुभकामना और नए वर्ष की शुभकामना मैं देता हूँ। दिन पर दिन चैती छठ का जो संख्या है बढ़ते जा रहा है, यह तो कार्तिक जैसा ही इस बार भी मनाया, तो हम लोगों ने उसी हिसाब से यहाँ पर व्यवस्था सीसी कैमरा और बाकी चीज़ हम लोग लगा कर रखा है। ये पर्व ऐसा पर्व है जो सूर्य षष्ठी पर्व है, जो
जो सूर्योदय सूर्योदय होता है, ये भगवान ऐसा पूजा है कि साक्षात भगवान को हम लोग देख कर अर्घ देते हैं और उसका पूरण भी होता है। यही एक पर्व है जो साक्षात भगवान को देख कर हम लोग पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं। और मैं छठी मैया से अनुरोध करूँगा कि यहाँ पर पूरे भारतवर्ष में असम में समृद्धि और शांति प्रदान करें। हम लोग को मतलब ये एक्सपेक्ट नहीं था कि चैती छठ में इतना भीड़ होगा, लेकिन बहुत काफ़ी संख्या में लोग आए हुए हैं, इससे इस पर्व का आस्था और ज़्यादा। जी जी, किस तरह का जो छठ पूजा का जो इस बार भी जो आयोजन किया गया है समिति से, हमने थोड़ी जानने की कोशिश की, और क्या है इस पर्व की विशेषता, इस बारे में भी हमने थोड़ी आपको जानकारी दी। आगे भी कोशिश करेंगे कि कल के दिन भी हम उपस्थित हों और थोड़ा कल का भी दृश्य आप तक पहुँचाए। फिलहाल मैं लूँगा विद्यापति सर बने रही, आप देखते रहिए बेगी समाचार।